An Academy. Let's crack it. Sir, sir, मुझे An Academy Comeback की scholarship मिल गई. अरे वाह यार, congratulations. Sir, last time खेल रहे थे तो 6th rank थी. अब top 3 में आकर scholarship जीत ली सर. उड़ दिया सर, हैं? सर, thanks to you and An Academy. आपने गाइड किया था. An Academy के लेक्चर और आपकी क्लासेस की वजह से फूटा है सर. ये गेमिफाइड रिवीजन क्विज है. प्रिपरेशन बिल्कुल सही हो गया होगा. हां यस सर, अब बस रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता रहता हूं. वेरी गुड, वेरी गुड. लेकिन प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहना ठीक है. ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते रहो और अंकुर बाबू डोंट टेक चांसेस. हेलो एवरीवन, वेलकम टू An Academy, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. सो टेक्निकल बर्फी में अगेन आपको स्वागत है. आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के कुछ 3 से 4 क्वेश्चन. तो यानी कि आज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा एडवांटेजेस होगा क्योंकि हम लोग डेली के डेली जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कभी 1, कभी 2, कभी 3 क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और ट्राई करूंगा कि इस मंथ के अंदर आपका ट्रांसमिशन लाइन के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएं, है ना. और फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ में कंटिन्यू करेंगे दूसरा टॉपिक, ठीक है. हेलो शुभम, हाउ आर यू डियर. सो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे, ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज साकेत वर्मा एंड आई हैव डन एमटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी. क्रैक्ड PSU एग्जाम्स लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DRDO एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. आई एम हैविंग मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस and in the field of GATE and ESE I have already mentored more than 25,000 students, and out of all the 25,000 students many students have got under 100 rank and now they are placed in some very good companies. And agar main baat karu aapka subject communication system aur EMFT ka, to ye dono subject mein aapko jo electronics ke hisab se agar main bataun aapko to ye 20 plus marks ka weightage hota hai. हर सब्जेक्ट का अपना वेटेज होता है. तो जिसमें कोर सब्जेक्ट में आपके पास आता है कम्युनिकेशन, EMFT, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन आपको कोर सब्जेक्ट का मिल जाएगा कम्युनिकेशन और EMFT का, जिसमें 20 प्लस मार्क्स की गारंटी मेरी है. अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो An Academy प्लस में यूजिंग द कोड Saket10 आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और साथ ही मेरा पूरा मेंटरशिप मिलेगा. और अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेशन और EMFT के लिए प्लस में ऐड होते हो तो आपको मोर देन 500 क्वेश्चन लाइव क्लास पे ही कराया जाएगा. तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा कंपेयर टू द YouTube एंड अदर एनी प्लेटफॉर्म, है ना. सो लाइव क्लास में आपको क्या मिल जाएगा प्लस में, लाइव क्लास, फिर पहला सेकेंड क्रैश कोर्स, देन रैंक इंप्रूवमेंट बैच. तो ये 3 बैचेस आपको मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट. उसके बाद कोई भी अगर आपका असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, कोई भी अदर PSU के बैचेस बनते हैं तो उसमें भी आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो पाओगे. और इन सारे बैचेस में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा. और अगर आप इससे एक स्टेप ऊपर जाते हो यानी कि आइकॉनिक में अगर आप जाते हो तो ये प्लस के बेनिफिट के अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानिंग सेशंस होंगे एंड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे एंड ऑल्सो द पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस आपको दिया जाएगा. और अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर का आपके पास ऑप्शन है. अगर आप यूज करोगे कोड Saket10 तो आपको 10% डिस्काउंट होगा. नो कॉस्ट EMI में आप कन्वर्ट करा सकते हो और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है. फिर आइकॉनिक में अगर आप आओगे तो 1 ईयर और 2 ईयर का आपके पास ऑप्शन है, है ना. और इसके बाद अगर मैं बैच की बात करूँ तो 12th of May से आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये किसी भी अदर सब्जेक्ट से लिंक नहीं है. तो आप यहाँ से अपने गेट की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. तो इसमें भी एनरोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेम कोड, ठीक है. और ये आप अगर गेट पास आउट हो आप, है ना, मतलब गेट अगर आप दे चुके हो, गेट के बाद आपको प्रिपरेशन करनी है, पास आउट हो, क्रैश कोर्स, कोई बूस्टर सेशन आपको ज्वाइन करना है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो. इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ होने वाला है
ठीक है, ये बूस्टर सीरीज के नाम से हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये 3 मंथ्स का कोर्स होने वाला है। इस पर्टिकुलर बैच में मैं आपका सब्जेक्ट लूंगा EMFT एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप बहुत ही थॉरली कवर कर लोगे तो ऐसे ही आपके PSU के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो कम्युनिकेशन और EMFT से आते हैं PSUs में। और इस बैच में एनरोल करने के लिए भी आप 3 मंथ्स के लिए भी एनरोल कर सकते हो, और इसमें भी आप कोड यूज कर सकते हो Saket10। ठीक है, फिर नेविगेट आप दे सकते हो 23 मई के संडे को 11 o'clock को, एंड देन आपके पास आ जाता है एवरी संडे कॉम्बैट। हर संडे आपका कॉम्बैट है, ठीक है, हर संडे आपको कॉम्बैट देखने को मिलेगा। और उस कॉम्बैट का क्या एडवांटेज है कि ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, सॉरी 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे 1 आवर में, और जस्ट आफ्टर द टेस्ट आपको सभी क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपकी रैंकिंग रियल टाइम आपको बताई जाएगी। 1 क्वेश्चन अगर आप सही सॉल्व करते हो तो आपकी क्या रैंकिंग है, है ना, 4 क्वेश्चन अगर आपका हो गया है, उसमें 4 क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व सही किया है तो आपकी क्या रैंकिंग है, मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको रैंक प्रोवाइड किया जाएगा। हाय सौरभ, हाउ आर यू? सो एक मास्टर ब्लास्टर सीरीज अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। इसमें 10,000 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। और इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे जाना है unacademy.com@saketvarma-7221, और आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो Saket10। कोई भी वीडियो अगर आपको वॉच करना है तो आप इस कोड को अप्लाई कर दो, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो फ्री वीडियोज हैं, ठीक है, और ये सारे ब्रांचेस के लिए हैं। चलो तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जरूरत पड़ेगी तो। चलिए तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, है ना, तो फाइंड द इनपुट इंपेडेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं कि लॉसलेस है, तो इसीलिए इनपुट इंपेडेंस का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे वो कौन सा लगेगा, जनरल फॉर्मूला, जो कि क्या है, जेड नॉट देन जेड एल प्लस जेड नॉट इंटू 10 हाइपरबोलिक गामा एल एंड जेड नॉट प्लस जेड एल इंटू 10 हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, ये ठीक है, जेड एल प्लस जेड नॉट 10 हाइपरबोलिक गामा एल, जेड नॉट प्लस जेड एल 10 हाइपरबोलिक गामा एल। अब अल्टीमेटली हमारा यहां पे जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा 10 हाइपरबोलिक गामा एल कैलकुलेट करने के लिए। तो गामा एल हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि गामा हमको दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ भी आपको दिया हुआ है 0.8। तो बिफोर सॉल्विंग दिस,
है ना, दिस पर्टिकुलर टर्म को आप सॉल्व कर सकते हो, ये कितना आ गया 0.56 एंड J2, ठीक है यही आएगा बिल्कुल। हाँ अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ये इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, बट हम लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ो क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन। तो शॉर्ट सर्किट है मतलब लोड की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे आप लोड को जीरो कर दो तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ZL जीरो हो गया। तो जब ZL जीरो हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, Z0 भी कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास Z0 10 हाइपरबोलिक गामा L, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा और 10 हाइपरबोलिक गामा L को हम लोग लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक गामा L एंड कॉस हाइपरबोलिक गामा L, या इसका एक फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया था, आप उस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो 10 हाइपरबोलिक गामा एल के लिए, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक गामा एल का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं आपको यहां पे, तो साइन हाइपरबोलिक गामा एल अगर आपको ये लिखना है तो ये होगा साइन हाइपरबोलिक, इसको गामा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो साइन हाइपरबोलिक गामा, गामा मतलब हो गया एक्स प्लस है ना गामा एल, यानी ये हो गया एक्स प्लस जे वाई के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और एल तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है तो एक्स प्लस जे वाई के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, फॉर्मूला लिख रहा हूं है ना, तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, ठीक है। अब यहां पे ये वैल्यू जो वैल्यू है दैट इज एक्स दैट इज वाई, तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू ये है तो 0.56 प्लस जे इंटू टू, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हो गई 0.56 एंड कॉस वाई वाई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। और ये रेडियन पर मीटर में ना, रेडियन में, ये कॉस 2 रेडियन है एंड देन कॉस हाइपरबोलिक 0.56 एंड साइन 2, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिख लोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिखो, हाँ इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लिखते हैं तो ये आएगा -0.245, यहां से आ जाएगा -0.245 प्लस जे 0.0548 प्लस जे 0.0548, ये हमारे पास साइन की वैल्यू आएगी। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 0.56 प्लस जे 2, है ना, तो ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन वाई, ठीक है ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। अच्छा ये जे छूट गया ना, यहाँ पे जे भी रहेगा, ये तो यहां लिखा हूं जे ना, तो यहाँ पे जे भी आएगा, ठीक। और एनीथिंग एल्स नहीं, 0.4831 प्लस जे 0.5362, ठीक है। तो ये साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके जेड नॉट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इनपुट इंपीडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन। देखो इनपुट इंपीडेंस क्या आएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 65 प्लस जे 38 मल्टीप्लाइड विथ साइन हाइपरबोलिक गामा एल विच इज -0.245 प्लस जे 0.0548 होल डिवाइडेड बाय -0.483 प्लस जे 0.5362, इसको सॉल्व करो।
ठीक है 113 प्लस जे 2.7726 ये आएगा आपका आंसर फाइनल आंसर। ठीक है देखें कितने लोगों का आंसर आया है। यस स्वागता द आई एम कवरिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ठीक है ऑफ द आर्टिकल नॉट प्रैक्टिस एक्सरसाइज आई एम कवरिंग द प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो इन बिटवीन द चैप्टर दिया है उसमें भी कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम है लेकिन उसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ है ना। मैं कौन सा सीधा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन को कवर कर रहा हूँ क्योंकि उसके आंसर प्रॉपरली नहीं दिए हुए है ना मतलब ऑड वैल्यूज के दिए हुए या हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है लेकिन हमारे पास इन बिटवीन जो चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर भी दिए हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हो अपने से और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है तो ये एक लेंथी क्वेश्चन में से एक था। बेस्ट बुक फॉर EMFT साडिकू ओनली अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू गेट एग्जाम अगर आप देख रहे हो तो ये आपको दोनों इसी पर्टिकुलर बुक में मिलेगा। ठीक है चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए जल्दी से बना लो। ठीक है स्वागता अभी आप माइक्रोवेव का वेट कर रहे हो गए आई थिंक अभी भी तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। यस स्वागता गामा 7/17 0.414 स्टैंडिंग वेव रेशियो आ गया आपका 2.4। ठीक है चलो चेक कर लेते हैं 0.41 2.4 बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो ये तो पहला वाला पार्ट तो बहुत ही इजी था कि क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड भी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गामा इज इक्वल टू ZL माइनस Z0 एंड ZL प्लस Z0 है ना। तो यहाँ से हमारे पास ZL 120 है तो 120 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 50 यहां से हमारे पास आ रहा है 0.411 है ना। और फिर ये स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना हो गया 1 प्लस गामा स्टैंडिंग वेव रेशियो 1 प्लस मॉड ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड ऑफ गामा। तो यहां से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट बस करना है 0.411 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.411 तो यहां से हमको स्टैंडिंग वेव रेशियो मिल रहा है कितना 2.397। ठीक है तो ये हमारा दो आंसर आ गया। अब क्या निकालना है हमको इनपुट इंपीडेंस एट द जनरेटर मतलब यहां पे इनपुट इंपीडेंस आपको कैलकुलेट करना है। लैम्डा बाय 6 लेंथ है ना इसका एक बार देखो
लैम्डा बाय सिक्स है कि लैम्डा बाय एट है? लैम्डा बाय सिक्स है, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नहीं राहुल, डेफिनेटली वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है। पूरा सिलेबस अभी कवर होना बाकी है क्योंकि ईएससी का एग्जाम जो है वो तो डेफिनेटली पोस्टपोन होगा, तो पोस्टपोन होने के हिसाब से हम लोग उसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है, पूरा टॉपिक तो नहीं लेकिन कुछ टॉपिक जो सैटेलाइट का पार्ट है या जो कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट है ना, उसको मैं धीरे धीरे कवर करना चालू करूंगा। नेक्स्ट मंथ में वीकेंड में हम उसको कवर करेंगे। एक बार कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल का खत्म हो जाए वीकेंड में, फिर हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हम लोग डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50, फिर लोड इम्पिडेंस कितना है 120 प्लस जे जेड नॉट यानी कि 50 10 बीटा एल है ना, तो 2 पाई बाई लैमडा इंटू लैमडा बाय 6 डिवाइडेड बाय जे फिफ्टी डिवाइडेड बाय 50 प्लस जे 120 10 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 6 ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां से हमारा आंसर कितना आ रहा है देखते हैं। एस की वैल्यू जेड एल बाय जेड नॉट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि 120 अपॉन 50 से आ जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, आप बिल्कुल कर सकते हो। थर्टी फोर पॉइंट सिक्स थ्री ये आएगा, 34.63 एट एन एंगल ऑफ -40.65, -40.65। सो दिस इज द इनपुट इम्पिडेंस, तो यही वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो इसको, देखते हैं कि इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। गुड क्वेश्चन, सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं हुआ इसको करो, इसमें इसमें आप कैलकुलेट करो। यस नितिन, पूरा कंप्लीट जो गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है साडिकू के बुक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सीरीज का एम ही वही है कि हमको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरे बुक को, विद इन 2 to 3 months, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन का कोई एक स्टैंडर्ड बुक लेंगे, आप लोगों से पूछूंगा कि कौन से बुक का अनसॉल्व प्रॉब्लम आपको वीडियो चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग।
A quarter wave lossless 100 ohm line is terminated by a load ZL is equal to 210 ohm. If the voltage at the receiving end is 80 volt, then what is the voltage at the sending end? Okay, we know that after traveling a lambda by 4 distance, we know that after traveling a lambda by 4 distance in a transmission line, every parameter gets inverted. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैम्डा बाय फोर लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, जो भी पैरामीटर होता है वो सब इन्वर्ट हो जाता है. अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आपका एक ट्रांसमिशन लाइन है और इस ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ अगर लैम्डा बाय फोर है, ठीक है, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन हम मान लें और इसका जो लेंथ है वो लैम्डा बाय फोर अगर हम बोल रहे हैं, तो ये लोड एंड है. ठीक है, यहाँ पे लोड एंड ले लेते हैं. अब आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड. तो मान लो कि यहाँ पे आपने सेंड किया है, तो ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, मान लेते हैं कि वी नॉट है. ठीक है, और ये लोड एंड का वोल्टेज है क्योंकि आपको दिया हुआ है कि इफ द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड, तो यहाँ पे ये आपका रिसीविंग एंड है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपका दिया हुआ है लोड एंड पे 80 वोल्ट. ठीक है, ये रिसीविंग एंड है ना, और ये सेंडिंग एंड है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहां तक समझ में आ चुका. अब इसके बाद देखो, हियर यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो लोड का जो इंपीडेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से बड़ा है, क्योंकि लोड का इंपीडेंस जो है वो दिया हुआ है 210 और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दिया था 100, तो लोड इंपीडेंस इज ग्रेटर देन 100, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना होगा, ZL अपॉन Z नॉट. अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में किया भी ये चीज. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस द स्टैंडिंग वेव रेशियो विल बी 210 डिवाइडेड बाय 100, तो इट विल बी 2.1. नाउ When the load is resistive in nature, ठीक है, जब load resistive होता है, when the load is resistive and ZL is greater than Z naught, then voltage maxima occurs at the receiving end. ठीक है, voltage maxima occurs at the receiving end. तो अगर यहां पे वोल्टेज मैक्सिमा ऑकर हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लैम्डा बाय फोर लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, आफ्टर ट्रैवलिंग ए लैम्डा बाय फोर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड, फ्रॉम द रिसीविंग एंड टू द सेंडिंग एंड, अगर आप लैम्डा बाय फोर डिस्टेंस यहां से ट्रेवल करते हो, तो यहां पर क्या मिलना चाहिए, वोल्टेज मिनिमा मिलना चाहिए. ठीक है, तो आपको मालूम चल चुका है स्टैंडिंग वेव रेशियो. स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमा डिवाइडेड बाय वोल्टेज मिनिमा. तो यहां से हमको वोल्टेज मिनिमा की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगा वोल्टेज मैक्सिमा जो कि कितना है 80 वोल्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडिंग वेव रेशियो यानी 2.1. ठीक है, ठीक, तो ये आ गया 38.09 वोल्ट होगा.
ठीक है स्वागता, आपको इसको मान के चलना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन सीरीज है, मैं इसमें आपको थ्योरी में नहीं जा सकता, और थ्योरी में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पूरा कोर्स हो जाएगा, है ना। तो ये बेटर है कि हम लोग क्वेश्चन तक लिमिट रहें। अगर आपको इसके रीजंस जानने हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ए 500 ओम लॉसलेस लाइन, ए 500 ओम लॉसलेस लाइन हैज VL इज इक्वल टू 10 ई टू द पावर जे 25 डिग्री एंड ZL इज इक्वल टू 50 ई टू द पावर जे 30 डिग्री, देन फाइंड द करंट एट लैम्डा बाई 8 फ्रॉम द लोड। वी हैव टू फाइंड द लेंथ करंट, करंट हमको फाइंड आउट करना है एट अ डिस्टेंस लैम्डा बाई 8 फ्रॉम द लोड। तो अगेन हम लोग एक ट्रांसमिशन लाइन अगर ऐसा ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये लोड की वैल्यू मुझे दी हुई है 50 e टू द पावर j 30 और यहां पे हमको वोल्टेज भी दिया हुआ है VL, ठीक है, ये दोनों चीज दी हुई है। यहां से लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस मान लेते हैं, ये लोड एंड है और लोड एंड से ये वाला जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाई 8 होगा। तो इस लैम्डा बाई 8 के बाद यहां पे करंट की वैल्यू कितनी है आपसे पूछा है, यहां पे करंट की वैल्यू कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है, ये करंट की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले लोड में करंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, लोड का करंट होगा VL डिवाइडेड बाय ZL, ठीक है, लोड का करंट आप निकाल सकते हो। ये लोड एंड पे कितना होगा, तो लोड एंड पे आ जाएगा 10 इंटू ई टू द पावर जे 25 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ZL, 50 इंटू ई टू द पावर जे 30 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 0.2 ई टू द पावर माइनस जे 5 डिग्री, ठीक, यहां तक समझ में आ गया, लोड पे करंट आ गया। अब बताओ आप कैसे निकालोगे लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस पे, चलो स्वागत है, बताओ यहाँ पे कैसे निकालोगे आप, अब आगे का जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, द रिमेनिंग पॉइंट, हाउ विल यू कैलकुलेट द रिमेनिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहां तक लोड तक आगे करंट, अब लोड से जब आप सोर्स की तरफ जा रहे हो, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई एट एनी डिस्टेंस एल डैश इज द करंट एट लोड एंड ई टू द पावर, अगर मैं निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा जे बीटा एल डैश, क्योंकि ये कौन सा लाइन है, लॉसलेस लाइन है, तो लॉसलेस लाइन के लिए गामा इज इक्वल टू जे बीटा, और यहां पर पॉजिटिव साइन आया क्योंकि हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया आई एल ई टू द पावर जे 2 पाई बाय लैम्डा, और कितना डिस्टेंस जा रहे हैं हम लैम्डा बाय 8, तो ये कितना हो गया 0.2 ई टू द पावर माइनस जे 5 डिग्री, और यहां पे लैम्डा लैम्डा कैंसिल, पाई बाय 4 आ जाएगा, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री,
So how much will be the current e to the power j 40 degree? So current at any distance, current at any distance L dash from the load. ठीक है, करंट एट एनी डिस्टेंस एल डैश, एल डैश मतलब कितना, यहां से हम कितना डिस्टेंस गए हैं, लैम्डा बाई 8. तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, एल डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8. तो लोड एंड से हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरी में मैंने जब पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ लोड एंड से हम सोर्स एंड की तरफ जा रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में, तो लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 ई टू पावर जे 40. ठीक है, क्लियर. चलो, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, तो इस आज के लिए इतना ही करते हैं. फिर कल हम लोग आएंगे फिर से नए 2-3 क्वेश्चन, सॉरी कल तो नहीं, कल सैटरडे है, तो मंडे को हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन ऑफ साडिकू के साथ. तो याद रखना टाइम मंडे 4 PM, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट दिस टाइम, मंडे 4 PM अगेन हम लोग मिलेंगे विथ मोर 2-3 क्वेश्चन, ठीक है. एंड क्रिएटर इज गेट डबल ई टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास से पहले मैं यहाँ पे अपना लिंक शेयर करता हूँ, तो उससे आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आप डायरेक्ट क्लास तक पहुंच जाओगे, क्योंकि मल्टीपल सेशंस चलते रहते हैं तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा. एंड ऑल दीज आर द इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल, देन यू कैन सब्सक्राइब दीज चैनल्स ऑल्सो, क्योंकि आपको जितने भी फ्री इनिशिएटिव्स अगर चाहिए तो ये सब चीज यहाँ पे मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलेंगे हम लोग स्पेशल क्लास में, है ना, कल दोपहर को 1 बजे स्पेशल क्लास है, वहां पे आप मिलो मेरे को मटेरियल साइल के क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.